नमस्कार दोस्तों, मैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, ये बाटा रेलवे स्टेशन पर आप लोग देख रहे होंगे, एक आदमी ये बिजली के खंभे पर चढ़ गया है। ये आप लोग देख रहे होंगे, सामने बाटा रेलवे स्टेशन है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटी हुई है इसको देखने के लिए। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, बगल में ही बिजली की हॉट वोल्टेज लाइन है और ये इस पर चढ़ चुका है। इसकी जान को खतरा है। फरीदाबाद पुलिस प्रशासन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तुरंत यहां पर आए, इसका रेस्क्यू करें, अदरवाइज इसकी जान को खतरा है। ये बाटा रेलवे स्टेशन है, सामने देख लीजिए, बहुत ज़्यादा यहां पर भीड़ है। ये देखिए, ये बिजली की हॉट वोल्टेज लाइन है यहाँ पर और इसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसका रेस्क्यू नहीं किया गया तो इसकी जान को खतरा है। ये देखिए हॉट वोल्टेज ये लाइन है, ये शायद या तो दारू के नशे में चढ़ गया है, ये हाथ भी दे रहा है, इसको बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ही ज़्यादा खतरा है इसको। ये देखिए, आदमी चढ़ गया है, ये सामने बाटा रेलवे स्टेशन है, ये देखिए, और इसको पता नहीं क्या सूझी, ये पता नहीं कहाँ से वहाँ जा पहुँचा, उधर से आया था, उधर से थोड़ा सा रास्ता है, और ये पता नहीं किसी ट्रेन पे कूदना चाहता है या अपनी जान देना चाहता है बिजली के तारों में लिपट के, क्या करना चाहता है कुछ पता नहीं है। तुरंत इसका रेस्क्यू किया जाए, इस आदमी का तुरंत रेस्क्यू किया जाए, नहीं तो इसकी जान को खतरा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ जुटी है, अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया है, अभी पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर नहीं दिख रही है। ओहो, ये क्या करने वाला है, बहुत बहुत ही, ये पता नहीं इसको क्या हो गया है। ये देखिए, अपनी जान देने पर तुला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, बहुत ही बड़ा खतरा है इसकी। ओहो, ये ट्रेन जा रही है, क्या करना चाहता है। मेरी अपील है फरीदाबाद पुलिस प्रशासन से और डिजास्टर मैनेजमेंट फायर ब्रिगेड से, मेरी अपील है तुरंत यहाँ पर आएँ, इसका रेस्क्यू करें, तुरंत यहाँ पर आना है और इसका रेस्क्यू करना है। मेरी फायर ब्रिगेड से अपील है, फरीदाबाद पुलिस प्रशासन से और डीसी साहब से मेरी अपील है, तुरंत यहाँ पर कोई ना कोई रेस्क्यू टीम भेजें और इसका रेस्क्यू करें, अदरवाइज़ बहुत बड़ा खतरा है इसके जीवन को, ये अपनी जान देने पर तुला हुआ है। ये करीब 50-60 साल के आसपास का बुज़ुर्ग है, 50-60 साल के आसपास का ये बुज़ुर्ग है जो ये हॉट लाइन के पास ही जा रहा है। देखिए, ये हॉट लाइन दिख रही है ना आपको, बहुत ही यहाँ पर मतलब हॉट लाइन है, बहुत ही ज़्यादा वाला करंट इसमें दौड़ता है, छूते ही आदमी जल जाता है। तो ये बिल्कुल इस वक्त तार के ऊपर है, जो हॉट वोल्टेज लाइन है उसके बिल्कुल जस्ट ऊपर है और नीचे देख रहा है। बहुत सारे ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो शेयर करें ताकि फरीदाबाद पुलिस प्रशासन तुरंत यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि अभी तो फिलहाल कोई नहीं दिख रहा, रेस्क्यू तो करें भैया। उधर कुछ पुलिस वाले दिख रहे हैं लेकिन अभी तक कोई रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। दो तीन पुलिसकर्मी खड़े हैं यहाँ पर, क्रेन की ज़रूरत है, क्रेन आए या कोई ऐसा आदमी चढ़कर इसे उतारे जिसको ज्ञान हो ऊपर चढ़ने का और रेस्क्यू करने का। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये बाटा फ्लाई ओवर है सामने, काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, जाम भी यहाँ पर लग रहा है, ये देखिए यहाँ पर जाम भी लग रहा है और लोग बस देखना चाहते हैं कि भीड़ क्यों जुटी है और क्या वजह है कि ये अपनी जान देने पर तुला हुआ है। अरे पुलिस वाले, अरे चलो कैसे, देखिए सामने रेलवे स्टेशन। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, ये आदमी किसी तरह से यहाँ से उतर जाए, इसकी जान बच जाए, मैं तो यही चाहता हूँ।
ट्रेन तो यहाँ पर आई हुई है। ये देखिए अपनी जान देने पर तुला हुआ है, ये बिजली की लाइन के जस्ट जो है ऊपर खड़ा हुआ है, नीचे हॉट वोल्टेज की लाइन गई हुई है जिस पर ट्रेनें चलती हैं। चढ़ चुका है, पता नहीं क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, कुछ पता नहीं है। कुछ लोग इसे सिरफिरा बता रहे हैं, कुछ लोग शराबी बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इसे कोई टेंशन है, अपनी जान देना चाहता है। भीड़ बढ़ती जा रही है, पुलिस वाले उधर खड़े हैं कुछ लोग, लेकिन अभी तक वो सिर्फ खड़े हैं। ये देखिए कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि शायद पता नहीं ये ताऊ क्या सोच रहे हैं ऊपर चढ़कर। लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं इनकी जान बच जाए, ये वापस उतर आए। लोग यही चाहते हैं, हर कोई परेशान है इनकी ज़िंदगी को लेकर, हर कोई परेशान है कि ये बच जाएं। पता नहीं नशे में किसने चल रखा है। सारे लोग चिंतित है इस वक्त, इनकी जान की फिक्र है सबको यहाँ पर, जितने लोग हैं हजारों लोग यहाँ पर हैं, सब इनकी जान। बढ़ता जा रहा है, पुलिस तुरंत यहाँ पर आए रेस्क्यू करे। लोग परेशान हैं, पुलिस का इंतज़ार किया जा रहा है, 2-3 पुलिसकर्मी खड़े हैं, लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर एक्सपर्ट की ज़रूरत है, जिसको ऊपर चढ़कर रेस्क्यू करने का ज्ञान हो। ये देखिए ताऊ किस तरह से ये नीचे देख रहे हैं, ये पता नहीं इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या मांग है, कुछ पता नहीं चल रहा। भगवान इनकी रक्षा करें, भगवान इसकी जान बचाएँ, भगवान इनको बचा लें। कोई इनको समझाने का प्रयास कर रहा है नीचे खड़ा होकर, ये कह रहे हैं नहीं हम नहीं उतरेंगे, कोई नीचे कोई इनको समझा रहा है, लोग समझा रहे हैं कि ताऊ उतर जाओ, ताऊ आप अपनी जान को जोखिम में मत डालो, लेकिन ताऊ का कहना है कि नहीं।
हम नहीं मानेंगे, ताऊ मना कर रहे हैं, पता नहीं क्या सूझी है इनको। बिजली खंबे बहुत चढ़ा चलो ये बूटा चढ़ा हुआ। सारे लोग देखिए देख रहे हैं, परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा जाम भी हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखिए लोग चिंतित हैं इनकी सेहत को लेकर। ये ताऊ देखिए उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं, नीचे से इनको समझाया जा रहा है कि ताऊ उतर जाओ, देखिए नीचे से कोई समझा रहा है इनको। ताऊ नाराज लग रहे हैं किसी बात को लेकर, देखिए ताऊ मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं उतरना, नीचे से कोई युवक उनको समझा रहा है कि ताऊ उतर जाओ। ताऊ उतरेगा तो देर में दारू पीला के फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बाटा रेलवे स्टेशन है, न्यू टाउन इसको बोलते हैं, फरीदाबाद में बाटा रेलवे स्टेशन न्यू टाउन इसको बोलते हैं। यहीं पर एक बुज़ुर्ग आदमी बिजली के खंभे पर चढ़ गया है, और जो बिजली की तार होती है जिस पर ट्रेनें चलती हैं उसके जस्ट ऊपर चढ़ा हुआ है, इसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये नीचे कूदेगा तो इसकी जान को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि नीचे नंगी तार है और तार में हाई वोल्टेज का करंट दौड़ता है। ट्रेन भी यहाँ से जा रही है, उधर से आया है, उधर से, इधर तो तार है उधर तार नहीं है ना, उधर से आ गया ये चढ़ चढ़। दोस्तों आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फरीदाबाद पुलिस प्रशासन डिजास्टर मैनेजमेंट को तुरंत इसकी सूचना मिले और तुरंत इसका रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू टीम की ज़रूरत है जो यहाँ पर आए, इस बिजली के पोल पर चढ़कर इसका रेस्क्यू कर सके। ऊपर से चढ़कर ही रेस्क्यू किया जा सकेगा, क्योंकि नीचे बिजली की हॉट वोल्टेज वायर है जिसमें काफ़ी करंट दौड़ता है, काफ़ी अधिक पावर वाला। अगर आप लोग शेयर करेंगे तुरंत प्रशासन की नज़र इस पर पड़ेगी, तुरंत इसका रेस्क्यू किया जाएगा। वैसे तो कुछ लोग लगे हुए हैं इसको समझाने में, इसको मनाने में, ताऊ को मनाने में, काफ़ी सारे लोग नीचे लगे पड़े हैं। नीचे देखिए ये ताऊ से मिन्नतें की जा रही हैं, ताऊ से विनती की जा रही है कि ताऊ जी उतर जाओ, अपनी जान को जोखिम में मत डालो। लेकिन फिलहाल ताऊ मानने को तैयार नहीं है किसी की बात, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन अभी फिलहाल पहुँचने वाला है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। पुल पर जाम की स्थिति भी हो रही है, देखिए पुल पर जाम की स्थिति भी हो रही है, तो पुलिस यहाँ पर आई है। ये जस्ट देखिए बाटा रेलवे स्टेशन पर देखिए ये आदमी खंभों पर चढ़ गया है, और इसके नीचे देखिए हाई वोल्टेज वायर है, बहुत ही बड़ा इसके जीवन को खतरा है इस वक्त। यहाँ पर पुलिस की टीमें भी आई हुई हैं, देखिए ये पुलिस वाले भी हैं। अभी तक इसका रेस्क्यू नहीं हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम की यहाँ पर ज़रूरत है, और
ये देखिए पता नहीं क्या कह रहा है ये आदमी, क्यों चढ़ा हुआ है, इसकी क्या मांग है, इसकी क्या परेशानी है, अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा है। क्योंकि हर कोई सिर्फ ये चाहता है ये ऊपर से नीचे आ जाए और इसका जीवन बच सके। काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं देखने के लिए। और ये ताऊ पता नहीं ऊपर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनकी बात समझ में नहीं आ रही। अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि ये क्या मांग है इनकी, ये क्या चाहते हैं, ऊपर क्यों चढ़ गए हैं, अपनी जान को जोखिम में ताऊ ने क्यों डाला है। इनकी उम्र करीब यहाँ पर जो रहे हैं कि उतर जाओ, ये विनती की जा रही है हाथ जोड़कर, विनती कर रहे हैं कि उतर जाइए ताऊ, अपनी जान में मत डालिए, हाथ जोड़ रहे हैं ताऊ से, हाथ जोड़कर विनती की जा रही है ताऊ से कि ताऊ जी अपनी जान को जोखिम में मत डालिए, लेकिन ताऊ उतरने को तैयार नहीं है। ताऊ मान गए हैं, उतर रहे हैं, भगवान इनकी जिंदगी की रक्षा करें। पुलिसकर्मी ने हाथ जोड़कर विनती की ताऊ से, ताऊ मुड़ चुके हैं, भगवान इनकी रक्षा करें, भगवान ये सकुशल उतर जाएं, हमारी भगवान से यही प्रार्थना है। ताऊ मुड़ चुके हैं, ये देखिए ताऊ मुड़ चुके हैं, ताऊ वापस आ रहे हैं, ताऊ किसी बात को लेकर नाराज हो चुके थे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, ताऊ उतर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ताऊ मान गए हैं और ये सकुशल उतर जाएं, भगवान से हमारी ये प्रार्थना है। और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की यही प्रार्थना है कि ताऊ जी सकुशल उतर जाएं, भगवान इनकी जिंदगी की रक्षा करें। काफ़ी देर तक इन्होंने टेंशन में डाला है, पुलिस आई है, पुलिस ने मिन्नतें की है, उसके बाद ये उतरने को तैयार हुए हैं। कुछ शर्तें अपनी मनवाना चाहते हैं ताऊ, कुछ मांग है इनकी, कह रहे हैं हमारी मांग ये मानो तभी हम उतरेंगे। चढ़ गए, इधर से चढ़ गए, अरे ताऊ आ जाओ, फिर से ताऊ नाराज हो गए, अब कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा, ताऊ आ जाओ आ जाओ, भैया ये लाइन से हट जाओ, लाइन से लाइन से हट जाओ भाई, लाइन से हट जाओ, लाइन से दूर हो जाओ, लाइन से हटो, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, लाइन से हटो, वहां का दूसरा सवाल बन जाएगा, जितने भी बीच में खड़े भैया आ जाओ इधर, ये फरीदाबाद के न्यू टाउन का वीडियो है, न्यू टाउन रेलवे स्टेशन है, तो मैं आपको ये न्यू टाउन रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ, ये देखिए फरीदाबाद का न्यू टाउन रेलवे स्टेशन है, बाटा भी बोलते हैं, और ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं। ये फरीदाबाद न्यू टाउन का वीडियो है, ये देखिए ये फरीदाबाद न्यू टाउन का वीडियो है, और यहाँ पर ये ताऊ ऊपर चढ़ गए हैं, बिजली की तारों के ऊपर चढ़ चुके हैं, और ये वापस आ रहे थे, वापस लौट रहे थे, वापस उतरने को तैयार थे, लेकिन पता नहीं किसी बात पर नाराज़ हो गए और वापस ये
खो लिए, मतलब ताऊ पूरी तरह से छका रहे हैं। ताऊ मानने को तैयार नहीं है और बहुत ही ज़्यादा रिस्क है ताऊ की लाइफ को, क्योंकि ये बिजली की वायर बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज का करंट इसमें दौड़ता है। मान नहीं रहो भाई, देखिए कितना खतरनाक है ये ताऊ, देखिए बिल्कुल तारों के ऊपर ये रुके हुए हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब पुलिस कर्मी ज़्यादा आ चुके हैं, क्योंकि हमने लाइव भी दिखाया था, ये प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचा और तुरंत ही पुलिस वाले एक्टिव हुए, यहाँ पर आए हैं और मना रहे हैं, समझा रहे हैं ताऊ को। ताऊ भी एक बार वापस हो लिए थे, उतरने को तैयार थे, लेकिन ताऊ को पता नहीं क्या सूझा। ताऊ देखिए, कभी कहते हैं उतर रहा हूँ, कभी कहते हैं नहीं उतर रहा हूँ, कभी ये वापस उतरने को तैयार हो जाते हैं, फिर दोबारा तार के करीब आ जाते हैं। पुलिस वाले बार बार इनसे मिन्नतें कर रहे हैं और इन्हें समझा रहे हैं, लेकिन ये उतरने को तैयार नहीं है। ये ताऊ देखिए फिर से मुड़ लिए हैं, बहुत बढ़िया, भगवान। ताऊ वापस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ताऊ वापस आ जाएं बहुत अच्छी बात है। वापस आ रहे हैं, ये कह रहे हैं दो दो कह रहे हैं, दो दो देने को तैयार हुए हैं। ताऊ मुड़ो मत, सीधा रहो सीधा रहो। दो लाख रुपए देने को तैयार हैं। आ जाओ ताऊ को 2 लाख देने को तैयार हुए हैं। ताऊ आ जाओ, ताऊ सीधा रहो। आप मत बोलो, कनेक्शन तो कटवा दिया है, पर वह उस ट्रेन आने की संभावना रखी है। दो लाख रुपए देने को तैयार हुए प्रवीण कुमार एसआई हैं।
अभी ये ताऊ वापस उतर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे, इनकी जान की फिक्र हो रही थी सबको। यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर, तो सब यही चाहते हैं कि इनकी जान बच जाए। देखिए अभी भी हॉट वोल्टेज वायर के ऊपर ये खड़े हैं और वापस उतर रहे हैं। अब 2 लाख रुपये इनको देने का आश्वासन दिया गया है, उसके बाद ये उतरने को तैयार हैं। लगता है इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पैसे की दिक्कत थी, बहुत परेशान रहे होंगे लॉकडाउन में, और ये अपनी परेशानी को झेल नहीं पाए और बिजली के खंभे पर चढ़ गए, अपनी जान देने पर उतारू हो गए। लेकिन फिलहाल ये वापस उतर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ये सकुशल उतर जाएं, ये सब यही इस वक्त यहाँ पर इकट्ठे लोग यही चाहते हैं कि ये सकुशल उतर जाएं। ताऊ करीब पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर ताऊ चढ़ गए हैं, ताऊ की एज भी करीब 60 साल के आसपास है। फिलहाल ये तार से दूर हो गए हैं, ये गनीमत है कि जो बिजली की हॉट वोल्टेज वायर हैं उससे थोड़ा दूर हो गए हैं, कॉर्नर पर पहुंच चुके हैं। तो ताऊ नीचे उतरने में अगर नशे में होगा तो दिक्कत, ऊपर चढ़ गया है दारू पी के, 2 लाख रुपए मांग रहा है, 2 लाख रुपए है तुम्हारे पास, पकड़ लेंगे। ताऊ वाह, बहुत अच्छी बात है, ताऊ उतर। बहुत अच्छी बात है, ताऊ उतर लिए, उनकी जान बच गई है। आ जा बेटा, अब चलो कोरोना हो जाएगा, दूर रहो। बीमारी को तो याद कर लो, बीमारी से पड़ेगा, कोई पता थोड़ी है। हटो भैया, हटो 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 चले जी। Hello,
ताऊ देखो नाराज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ताऊ को होश आ गया है, ताऊ को होश आ गया, बहुत अच्छी बात है, ताऊ उतर चुके हैं। ओए सोशल डिस्टेंस बना ले। आपके चैनल में देखा था वो? हाँ हाँ, पहले बहुत देखा, बहुत छका है। जब लाइव से हट गए थे आप बीच में? हाँ, ऊपर चढ़ा, ऊपर है, ऊपर मेरी गाड़ी खड़ी थी, असल में जाम हो रहा है, वहीं देखा था। मैंने चलो ताऊ सब उतर उतर चुके हैं, याद रखने का नाम भी देते हैं, दो लाख पसंद दिया गया घर की परेशानी। याद राम बता रहे हैं आप कहाँ का रहने वाला? रामनगर का रहने वाला है, रामनगर का रहने वाला है। घर की परेशानी, घर की मानसिक परेशानी की वजह से आश्वासन 2 लाख रुपए मांग रहा था। मैंने व्यवहारिक तौर से कहा भी मैं आपको मदद कर दूँ, आप आ जाओ। उसके समझाने पे हमारी बात को समझ आ गया, वो नीचे उतर गया है। डी आर पी पुलिस इसमें कार्य कर रही है, और संबंधित डी आर पी पुलिस इससे पूछताछ करके जो उसकी मदद उसमें करनी है। देखो सर, मेरे घर में कोई मेरे ये बिजली के पिलर पर चला हुआ ऊपर से आवाज मार के ये मुझे कह रहा था कि मुझे पैसे की जरूरत है 2 लाख रुपये। तो मैं जो भी चार व्यक्ति हूँ, मैंने इसकी बात को समझा, उसकी आवाज़ के मुताबिक मैंने इसको भी समझा है। ये मेरी बात को समझते हुए हमारे विश्वास को लेकर बच्चे हैं, और इसकी जो दोस्तों मैंने आपको लाइव दिखाया, ये यादराम नाम का आदमी किसी परेशानी के चलते ये खंभे पर चढ़ चुका था बाटा रेलवे स्टेशन पर, इसकी जान को खतरा था, लेकिन पुलिस ने 2 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। उसके बाद ये बुज़ुर्ग आदमी वापस नीचे उतरा, और अभी ये सही सलामत है, इसकी जान बच चुकी है। आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो शेयर किया, सबको बताया, प्रशासन को आपने सूचना दी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे जो ये भी एक अपराध है, अपनी जान देने की कोशिश करना भी अपराध है, ऐसा अपराध फिर से ना हो, और प्रशासन तुरंत ऐसे मामलों में तुरंत यहाँ पर भी जान बच चुकी है बुज़ुर्ग आदमी की, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।